Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing good. So today I bring for you a very simple bottle art. You can use as a planter. Or you can also use fairy lights and decorate your home. सो इस प्रोजेक्ट के लिए हमें चाहिए वन ट्रांसपेरेंट ग्लास बोतल, वन 3D आउटलाइनर एंड फेविक्रिल ग्लास कलर्स. नाउ यहाँ पर मैं आउटलाइन बनाने के लिए 3D आउटलाइनर यूज कर रही हूँ. बॉक्स में जो आउटलाइनर आता है वो काफ़ी थिक होता है, वो हम किसी और प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करेंगे. आप बोतल पर कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे. जब एक साइड ड्राई हो जाए उसके बाद ही आप दूसरी साइड में ड्रॉ करें, अदरवाइज कलर मिक्स हो जाएगा. नाउ यहाँ पर मैं ग्लास कलर्स फिल कर रही हूँ. आप इसे ब्रश से भी फिल कर सकते हैं. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए. इससे जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा. सेम यहाँ पर भी हमें यही ध्यान रखना है, जब एक साइड ड्राई हो जाए उसके बाद ही दूसरी साइड पर हम कलर अप्लाई करेंगे, अदरवाइज ये मिक्स हो जाएगा और अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी. एंड अब मैं यूज़ कर रही हूँ पेपर टेप. आप यहाँ पर हाफ पर्ल भी यूज़ कर सकते हैं.
Now I am using black acrylic color. एंड यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी गोल्डन मेटेलिक एक्रिलिक कलर। जब ये ब्लैक कलर अच्छे से ड्राई हो जाएगा उसके बाद ही हमें ये यूज़ करना है, तो अच्छा लुक आएगा। यहाँ पर आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं एंड फिंगर से भी कर सकते हैं। जब बॉटल कम्प्लीटली ड्राई हो जाए इसके बाद वॉर्निश अप्लाई करना है। If you like this video, then please hit the like button and subscribe my channel. Till then, bye bye. See you in next video.